बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत एक बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कारों की बात करें, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रखने की परंपरा है। यानी पितृ पक्ष के दौरान ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं रखती हैं, इसकी परंपरा पाई जाती है। ऐसा लिखा हुआ है कि ये पुत्र की रक्षा के लिए और उसकी जीवन की उन्नति के लिए रखा जाता है, लेकिन ये केवल पुत्र के लिए नहीं है, संतान की रक्षा के लिए और उसके जीवन की उन्नति के लिए इस व्रत को, इस उपवास को किया जाता है। ये केवल पुत्र का व्रत नहीं है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र शोक या संतान शोक नहीं होता, यानी संतान की जो आयु है, संतान की जो उम्र है, वो लंबी होती है। ये व्रत पितृ पक्ष में भी रखा जाता है और आश्विन शुक्ल अष्टमी यानी जब नवरात्रि चलती है तो देव पक्ष में भी रखा जाता है। यानी जीवित पुत्र का लोग अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से पितृ पक्ष की अष्टमी को भी रखते हैं और नवरात्रि की अष्टमी को भी रखते हैं। दोनों ही व्रतों के समान फल हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष वाला रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, शुक्ल वाला रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों ही व्रतों के समान फल हैं। अपनी परंपरा के हिसाब से आप कोई भी व्रत रख सकती हैं। आप पितृपक्ष वाला आपके परिवार में होता है, आप वो रखिए। देव पक्ष वाला होता है, नवरात्रि वाला होता है, आप वो रखिए। इस व्रत के साथ महाभारत की एक कथा भी जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के पुत्र परीक्षित की रक्षा की थी। तो उसी प्रकार से जो कोई भी महिला अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखती है, इस व्रत का पालन करती है, प्रभु उसके संतान की रक्षा करते हैं। इसमें अष्टमी तिथि को दिन भर निर्जल उपवास रखा जाता है और नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ दे करके उनके मंत्रों का जप किया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है और रंग बिरंगे लाल धागे भगवान को अर्पित करके इसके बाद संतान को, पुत्र को या पुत्री को सुरक्षा कवच के रूप में ये धागे पहना दिए जाते हैं। ये रंग बिरंगे धागे, लाल, पीले, हरे रंग के, भगवान को समर्पित करके अपनी संतान को पहना दिए जाते हैं। उनकी आयु की कामना करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो इस तरह से जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो पूरा होता है। देखिए, प्राचीन काल की परंपराएं जो भी रही हों और जिन भी मान्यताओं को ध्यान में रखा गया हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये केवल पुत्र संतान का व्रत नहीं है। अगर आपके पुत्र नहीं हैं, केवल पुत्रियाँ हैं, तो आप अपने किसी भी संतान के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए भी इस व्रत का पालन कर सकती हैं और उनके लिए लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। और पूजा के बाद जो लाल धागे या रंग बिरंगे धागे हैं जो गले में पहनाए जाते हैं, वो पुत्र या पुत्री को पहना सकती हैं।